यीशु के नाम में प्यार आप सभी का आज की इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम स्वागत करते हैं। आए परमेश्वर पिता के चरणों में जाए और परमेश्वर की आराधना के लिए और आज की चर्च सर्विस के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। धन्यवाद के साथ आए उसके भवन में, उसके आंगनों में आए, जहां कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति है वो उसका भवन है। आए हमारे घरों में भले ही हम हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठे हैं, हमारा घर आज परमेश्वर का भवन बन गया है। प्यारो, उसकी उपस्थिति जहाँ है वो उसका भवन है। परमेश्वर से कहे, प्रभु आज आपके चरणों में जब मैं आई हूँ, मेरा आपके चरणों में आना आशीष का कारण बनाए। अपने पापों के लिए क्षमा मांगे प्यारो। कोई भी ऐसी बातें हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार रूप न हो। प्रभु से कहे कि प्रभु आप मुझे क्षमा करिए, आप मुझे माफ कीजिए। प्रभु मेरा कोई भी ऐसा पाप आपकी आशीषों को आज मेरे जीवन में आते हुए न रोके। आपकी उपस्थिति में मैं परमेश्वर बैठूं, उसके बीच कोई भी मेरे पाप आते आप मुझे क्षमा करें। और साथ में कहिए प्रभु से कि प्रभु आज आपकी आराधना करने का अनुग्रह में दीजिए, मेरे मुख को आप खोल दीजिए, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना में कर पाऊँ, सब कुछ भूल कर आपकी आराधना में मैं खो जाऊँ। दाऊद जब परमेश्वर की आराधना करता था प्यारो, सब कुछ वो भूल जाता था। वो क्या है, उसका पद क्या है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सब कुछ वो भूल जाता था। आइए आज जब परमेश्वर के चरणों में बैठे, सब कुछ भूल जाए प्यारो, हर एक दुख और तकलीफों को बाजू पर रख दे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं प्यारो, हम तब तेजोमय होते हैं, तब हम प्रकाश पाते हैं, तब हम छुटकारा पाते हैं प्यारो। परिस्थिति की ओर, उठती हुई लहरों की ओर अगर हम देखेंगे तो हम डूबेंगे प्यारो। लेकिन आइए उस तूफान को शांत करने वाले परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपकी ओर देखता हूँ, क्योंकि आप ही से मेरी भलाई है, आप ही से मेरी आशीष है। प्रभु प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपकी ओर देख पाऊँ। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आज अनुग्रह दिया आपके चरणों में आने का। प्रभु आज अनुग्रह दिया आपकी आराधना करने का। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, इस समय को आप आशीषित कीजिए प्रभु। इस समय के विरुद्ध जो भी दुष्ट आत्माएं कार्यरत हो, उसे यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं, तोड़ डालते हैं, निष्फल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से। और हमारी दुआ है प्रभु, आज आपकी आराधना करने के लिए अनुग्रह दीजिए, आज आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए अनुग्रह दीजिए। सब कुछ भूल कर, सब कुछ बाजू पर रख कर हम आपकी आराधना में आज खो जाए, परमेश्वर की ओर देखे और आज हम तेजोमय हो, छुटकारे को प्राप्त करें। आपकी उपस्थिति में जो स्वतंत्रता है, छुटकारा है, यीशु मसीह के नाम में वो हमारे जीवनों में, परिवारों में आज हम महसूस करने पाए, अनुभव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर के लोगों को आराधना करने से रोकने वाली हर एक दुष्ट आत्मा और शैतान के कामों को यीशु मसीह नाजरी के नाम से बांधते हैं, तोड़ डालते हैं, निष्फल करते हैं। हमारी ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करें प्यारे पिता, आमीन और आमीन। अरे प्यारो, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे और उसकी आराधना करते हुए गाना हम गाना चाहते, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। सबसे श्रेष्ठ आराधना वो जीवनों के द्वारा की जाने वाली आराधना है प्यारो। जब हमारा जीवन हम प्रभु को देते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ अर्पण है प्यारो, उससे प्रभु प्रसन्न होता है प्यारो। हाँ जरूर हमें दशमांश देना है, हाँ जरूर हमें हमारे पास जो है वो प्रभु को देना है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर कोई अर्पण है तो वो हमारा जीवन है। आइए प्रभु से कहे, मेरे राजा आज तू मेरा मालिक बन जाए प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं प्यारो, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ करता है। हालेलुया, आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए।
रे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र उस सदा। अपने हाथों को उठाकर गाए, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। अपने हाथों को उठा कर गाए, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। वो हर संभव को प्यारो, हर संभव को संभव करने वाला खुदा है, और वो हर बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने हाथों को उठाए, प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज विश्वास करता हूँ तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हालेलुया, आई विश्वास से गाए। हर असंभव को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर असंभव को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हाथों को उठा कर गाए, तू छू ले मेरा प्रभु, गाएंगे से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र सदा। अपने हाथों को उठा कर गाए, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा, तू छू ले मुझे यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। आ मुझको तू मैं हो जाऊं, दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा कर गाए, हालेलुया, हालेलुया। आ
को तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में फंस जा, सांवर से भर जाऊं। परमेश्वर है जो हमें जब छूता है हमारे जीवनों को बदल देता है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु तू आज मुझे छू ले ताकि मैं जैसा बैठा हूं वैसा ना रहूं। प्रभु आज मेरा जीवन बदल जाए। जिसको भी यीशु ने छुआ उसका जीवन बदल गया। अंधे को छुआ, अंधे की आंखें खुल गई। लंगड़े को छुआ, वो उठकर चलने लगा। प्यारो, कोड़ी से जो पीड़ित थे, जिसे कोई नहीं छूता था, उनको जब यीशु ने छुआ, जो असंभव था वो संभव हो गया। अपना हाथों को उठाए प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरा स्पर्श चाहता हूं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, आज तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा। आखिर एक बार मुख को खोल कर गाए, तू छू ले, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। आप परमेश्वर, हम आज चाहते हैं कि आप हमें छू लो। हम में से कोई भी प्रभु आज जैसा बैठा है, या तो खड़ा है, या तो जहां कहीं भी है, वैसा का वैसा न रहे। हमारे जीवन बदल जाए यीशु मसीह के छूने के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य स्पर्श के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। सब मिलकर कहे आमेन, हालेलुया। आए प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक और गाना हम गाना चाहते हैं। गाने के शब्द है, गाएंगे हम यीशु महान, करेंगे हम स्तुति प्रशंसा, क्योंकि हम कौन है। ऊंची आवाज में कहे, जयवंत हुए उद्धार, जयवंत हुए आराधक, हालेलुया। प्यारो, हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, वो परमेश्वर है जो हमें भी ऊंचा उठाना जानता है। और खासकर कठिन हालात में जितने लोगों ने प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया, कठिन हालात में जिन्होंने प्रभु की आराधना की, प्रभु ने उनको निश्चय ही ऊंचा उठाया है। दाऊद जब साउल से भागता फिरता था, तब भी वो गाना लिखता था प्रभु की महिमा के लिए, हालेलुया। जब आप तकलीफ में होते हो, प्रश्नों में होते हो,
जब आप समस्या में होते तब भी आप प्रभु की आराधना करते हो, आराधक हमेशा जीतता है। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलिए, आराधना करने वाला, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी हमेशा विजयवंत ही बनते हैं। हालेलुया। पौलुस और सीलास प्यारो कैद में, दुख में, तकलीफ में प्रभु की आराधना करते थे, जबकि एक दिन पहले ही उनको मारा गया था, और वो भी पूरे क्राउड ने, पूरी भीड़ ने मिलकर मारा था, एकाद व्यक्ति ने नहीं प्यारो, और इतना मारा था कि वो बस मर गए ऐसा उन्होंने समझ लिया था, मतलब बहुत ही ज्यादा मार मारा गया होगा। लेकिन वो ही रात कैद में पीड़ा होगी, घाव होगा, लहू बहता होगा, हाथों और पैरों में बेड़ियां थी, लेकिन वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। हालेलुया। आप में से कोई है प्यारो जिसके जीवन में तकलीफ है, पीड़ा है, वेदना है, बेड़िया है, आपको लगता है आप बंधे हुए हो, आज प्रभु की आराधना करें, वो आपको छुड़ाएगा। आराधक को, आराधना करने वाले को वो हमेशा विजयवंत बनाता है। हालेलुया। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए। प्रजा बनाया हम जयवंत हुए, आराधक है, आराधक है, हम विजयी हुए, आराध मिलकर गाय उची आवाज़े, हम जयवंत हुए, आराधक है, हम विजयी हुए, आराधक है। अब हम चुने हुए वंश पवित्र लोक हिलाते, नीच प्रजा बनकर उसका समाज कहलाते। अब हम चुने हुए वंश पवित्र लोक कहलाते, नीच प्रजा बनकर उसका समीकर गाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया।
एक और बार गाएंगे हम, हम चुने हुए, अब हम चुने हुए वंश, पवित्र लोग कहलाते, नीच प्रजा बनकर उसका समाज कहलाते, हम जयवंत हुए। आराधक है, ताली बजा कर गाए, हम विजय हुए, हम विजय हुए, आराधक है, हम जयवंत हुए, आराधक है, हम विजय हुए, आराधक, हम विजय हुए, आराधक है। प्रशंसा सदा गाएंगे, गाएंगे हम यीशु महान, करेंगे हम स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा, हम जयवंत हुए। ताली बजाकर प्रभु को महिमा देते हुए गाए, हम विजय, हम विजय हुए, आराधक है, मैं जयवंत हुआ, आराधक हूँ, मैं विजय हुआ, विश्वास से एक और बार गाए, मैं जयवंत हुआ, आराधक हूँ, मैं विजय हुआ, प्रभु को महिमा देते हुए गाए, मैं जयवंत हुआ, आराधक हूँ, मैं विजय हुआ, आराधक हूँ, इसलिए मैं गाता रहूंगा, मैं प्रभु को महिमा देता रहूंगा, क्योंकि जब मैं आराधना करता हूँ मैं विजय होता हूँ। हालेलुया, हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा देते हुए गाए, हम जयवंत हुए, आराधक है, हम विजय हुए। प्यारो, आप हारे हुए आराधक नहीं हो, क्योंकि आप जिसकी आराधना करते हो वो सेनाओं का यहोवा है, जो आपके लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर है, जो आपके लिए क्रूस पर बलिदान देकर शैतान को हरा देने वाला खुदावंत है। हाथों को उठाए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं हारा हुआ नहीं, रोने वाला नहीं, हमेशा चिंता में डूबा हुआ नहीं, हमेशा निराशा में डिप्रेशन में रहने वाला नहीं, मैं विजयवंत आराधक हूँ। हालेलुया, हम जयवंत हुए, आराधक है, हम विजय हुए, आराधक है। हालेलुया प्यारो, जो हम गाते हैं वो हमें विश्वास रखना है। हालेलुया, हम प्यारो यूं ही सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं गा रहे प्यारो, हम जो गाते हैं प्यारो वो हमारे विश्वास की कबूलात है, और जो हम बोलते हैं, प्रभु का वचन कहता है जो जैसा बोलेगा अपनी जीभ से वो वैसा ही फल खाएगा। आज ने आप जब बोला है कि आप विजयी हुए आराधक हो, विश्वास रखिए, यीशु आपको लज्जित नहीं होने देगा। हाथों को उठाए कहे, मैं लज्जित नहीं होने वाला, मैं हारा हुआ नहीं, मैं विजयवंत आराधक हूँ। हालेलुया, एक आखिरी गाना प्रभु को महिमा देते हुए गाए, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, पर परमेश्वर का प्यार प्यारो अटल है, वो कभी भी टलने वाला नहीं है। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूँ प्यारो, प्रभु का वचन यशायाह 54 में उसकी 10वीं आयत में कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए,
और पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांति की वाचा न टलेगी। चाहे कितनी भी उथल पाथल हो जाए, कितना भी आपके जीवन में दुख संकट तकलीफ और जो आपने नहीं चाहा वो हो प्यारो, सब कुछ आपको लगे ऊपर नीचे हो गया, मेरा जीवन पूरा बिगड़ गया या तो मेरा जीवन पूरा उल्टा हो गया, जो मैंने चाहा था, जो मैंने इच्छा रखी थी वो नहीं हुआ, कुछ अलग ही हो गया, सब कुछ बिगड़ चुका है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां भी टल जाए, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टेगी और मेरी शांति की वाचा जो प्रभु ने आपसे की है प्यारों, वो शांति देने की वाचा वो कभी ना टलेगी। हालेलुया। और ये कौन कहता है, आगे आयत में लिखा है, यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। और अब जब हम इस वचन को गाते हैं, विश्वास रखे चाहे जो भी हो चुका है हमारे जीवन में, पहाड़ियां भी टल जाए, पहाड़ हट जाए, कुछ भी हो जाए, यीशु की वाचा यीशु का वचन कभी भी नहीं टलेगा। अभी भी वो आपसे प्यार करता है, अभी भी उसका वचन जीवित है, मर नहीं मिटा, अभी भी वो अपने वचनों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए जागरूक है। हालेलुया। आए प्रभु को महिमा देते हुए जाए, यहाँ तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, यहाँ तेरा प्यार ना टलेगा कभी। चाहे पहाड़ हट जाए, यहाँ तेरा प्यार न हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, यहाँ तेरा प्यार न टलेगा कभी। तेरा प्यार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। चाहे पहाड़ हट जाए, यहाँ तेरा प्यार ना हटेगा कभी। अपना हाथों को उठा कर गाए, चाहे पहाड़ या टल जाए, यहाँ तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार बढ़ता जाए,
सर्वदा चाहे पहाड़ जाए यहाँ तेरा प्यार न हटेगा कभी हम हाथों को उठा कर गाए चाहे पहाड़ या टल जाए यहाँ तेरा प्यार टेगा कभी यार आगे कहता है दर्द के सफर में जब तू साहिल है मेरा साथी है कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है हालेलुया तेरे प्यार में अब ना कोई भय तू ही मेरा सच्चा मित्र है यीशु वो मित्र है प्यारो जो हर समय साथ निभाता है वो आपके राह में कठिन राह में वो साथी है जो सिर्फ सुख के समय का नहीं दुख के समय में भी आपके साथ रहने वाला है वो ना आपको त्यागेगा वो ना आपको छोड़ेगा आपकी राह में चाहे वो कठिन राह क्यों ना हो वो आपके साथ बना रहेगा हालेलुया और जब वो आपके साथ है कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है क्योंकि मुश्किलातों से आपको नहीं लड़ना है मुश्किलों से यीशु लड़ेगा और वो आपको विजय देगा हालेलुया आई मिलकर ये आगे का सेंजा गाएं दर्द के सफर में तू साथ अगर मुश्किल ना कोई बड़ी तेरे प्यार में अब ना कोई भय तू ही मेरा सच्चा मित्र है के सफर में तू साहिल अगर मुश्किल न कोई बड़ी विश्वास गाए तेरे प्यार में अब ना कोई भय तू ही मेरा सच्चा मित्र है तेरा प्यार सदा तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा एक और बार गाए तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा तेरा प्यार यीशु तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ तेरा प्यार न हटेगा कभी चाहे पहाड़ियाँ टल जा तेरा प्यार न टलेगा कभी तेरा प्यार न हटेगा कभी तेरा प्यार न टलेगा कभी तेरा प्यार यीशु तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा तेरा प्यार बढ़ता जाए यीशु का प्यार प्यारों कभी भी कम नहीं उसका प्यार हमेशा बढ़ता ही जाएगा मैं और आप निष्फल हो सकते हैं उससे प्रेम करने में लेकिन वो कभी भी निष्फल नहीं होता उसका प्यार हमारे ऊपर आधारित नहीं है
वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। जब हम विश्वास योग्य हो तब ही हमें प्यार करें, लेकिन मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि हम अविश्वास योग्य बने, लेकिन वो कभी भी अविश्वास योग्य नहीं बनता, क्योंकि वो अपनी वाचा को नहीं तोड़ सकता। प्यारो, जब पाप हुआ, जब लोग निष्फल गए, वहां प्रभु की कृपा पाप से भी ऊपर हुई है। पापों के कारण पापियों को प्रभु ने त्याग नहीं दिया, लेकिन पापों के कारण पापियों को जो नाश में जा रहे थे उनको बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आए, संसार में आए। उसका प्यार कम नहीं होता प्यारो, उसका प्यार हमारी और हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका प्यार हमेशा बढ़ता जाता है। हाथों को उठाए और इस अद्भुत अमूल्य प्यार के लिए प्रभु को धन्यवाद है। कहे यीशु, तेरा प्यार बहुत मूल्यवान है, ऐसा प्यार मुझे कौन करेगा? जब मैं निष्फल हो जाऊँ, मैं कमजोर हो जाऊँ, जब मैं गिर जाऊँ, तब भी तू मुझसे प्यार करता है। प्रभु, मैं निष्फल हो जाऊँ आपसे प्रेम करने में, लेकिन आप उस समय सा प्यार करते रहो। प्रभु, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। चाहे पहाड़ हट जाए सभी, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियां ढल जाए, तेरा प्यार न टलेगा कभी। हाथों को उठा कर गाए, तेरा प्यार न टलेगा कभी। प्रभु, ये मूल्य प्यार के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। चाहे हम कितना भी धन्यवाद दे वो कम है प्रभु, आपके प्यार को बयान करने के लिए। प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी अच्छाइयों के लिए वेट नहीं किया। हम जब बुरे थे तभी हमें आपसे प्यार, आपने हमसे प्यार किया, और आपका प्यार कभी भी कम नहीं हुआ। चाहे कितना भी बदलाव आ गया हो इस जमाने में, हम में परिस्थितियों में पहाड़ उथल पाथल हो गए हो, टल गए हो, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन आपका प्यार अभी भी वहाँ का वही है। आपका प्यार नहीं बदला प्रभु, उल्टा वो बढ़ता गया है। हम प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्यारो, क्या आप जानते हो प्रभु यीशु आपके लिए गाना गाते हैं? उसका प्यार इतना है आपके लिए, आपको, आप तो उसकी आराधना करते ही करते हो, लेकिन वो आपसे खुश होकर आपके लिए गाना गाते हैं, आपके लिए नाचते हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपके लिए खुश होते हैं। वो हमारा प्रभु है, जैसे बच्चे के लिए अपने माँ बाप खुश होते हैं, वैसे ही हमारे लिए हमारा परमेश्वर खुश होता है। उसका प्यार कभी भी कम नहीं होता है। हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, तेरा प्यार कभी टला नहीं और टलने वाला भी नहीं। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर और धन्यवाद की बेटों को प्रभु यीशु के नाम में हम प्यारे पिता आपके चरणों में लाते हैं। यीशु मसीह के नाम सब कबूल करें प्यारे पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया।